नमस्कार, मैं विदेश ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एचपी शिक्षा चैनल पर। तो इस वीडियो हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी एक बड़ी खबर। तो हिमाचल प्रदेश में जो है स्कूल छात्रों के लिए पहले ही बंद हो चुके हैं, तो अब जो है कॉलेज के छात्रों के लिए भी बुरी खबर सामने आई है, जिसमें जो है कॉलेज के छात्रों के लिए कॉलेज बंद हो चुके हैं। तो क्या ये पूरी खबर है आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं कॉलेज के छात्रों के बारे में क्या पूरी अपडेट है। तो कॉलेज नहीं आएंगे छात्र, केस बढ़ते देख शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा फैसला, ऑनलाइन ही होगी पढ़ाई। प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में 16 अगस्त से छात्रों की फिजिकली कक्षाएं नहीं होंगी, यानी कि कोविड की मार इस साल भी कॉलेज छात्रों पर पड़ेगी। लंबे समय से कॉलेज आने का इंतजार कर रहे छात्रों को बड़ा झटका लगा है। फिलहाल शिक्षा विभाग की ओर से कोविड काल में प्रदेश के कॉलेज में यूजी दूसरे और तीसरे वर्ष की कक्षाएं 16 अगस्त से ऑनलाइन माध्यम से लगाने के निर्देश दिए हैं। वहीं शिक्षा विभाग ने कॉलेज इसके तहत स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि को 31 अगस्त तक बढ़ाया गया है। ऑनलाइन पढ़ाई के संबंध में निर्देश आगामी आदेशों तक दिए हैं। विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया के लिए आवेदन फॉर्म अब 24 अगस्त तक जमा होंगे। वहीं इसके अलावा बात करें तो इसके बाद 25 से 26 अगस्त तक मेरिट सूची जारी की जाएगी और 27, 28 और 31 अगस्त तक छात्रों को फीस जमा करनी होगी। हालांकि कोरोना की स्थिति के मद्देनज़र प्रवेश शेड्यूल में बदलाव करने के लिए प्रधानाचार्य को अधिकृत किया गया है। शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने कहा कि छात्रों के हित में और परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानाचार्य प्रवेश शेड्यूल को लेकर अपने स्तर पर निर्णय ले सकते हैं। उन्होंने प्रधानाचार्य को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वे ऑनलाइन पढ़ाई को प्रभावी तरीके से लागू करें। शिक्षा निदेशक ने यह भी निर्देश दिए हैं कि रोल ऑन एडमिशन के तहत दूसरे और तीसरे वर्ष के छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया को 16 अगस्त तक पूरा किया जाए। गौर है कि कॉलेजों में इससे पहले 16 अगस्त से नियमित कक्षाएं शुरू की जानी थी, लेकिन कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के बीच अब कॉलेज की कक्षाएँ भी नियमित रूप से शुरू नहीं हो रही हैं। तो यही थी अपडेट कि हिमाचल प्रदेश के जो कॉलेज हैं कॉलेज छात्रों के लिए फिर से बंद कर दिए गए हैं, जो 16 अगस्त को खुलने को प्रस्तावित थे। वहीं बात करें तो जो स्नातक प्रथम वर्ष के जो छात्र हैं इनकी जो प्रवेश की तिथि को है 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। वहीं जो दूसरे और तृतीय वर्ष के छात्र हैं इनको रोल ऑन एडमिशन के तहत जो है 16 अगस्त तक जो है इनके एडमिशन हो जानी चाहिए। तो यही थी अपडेट। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।